अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक प्रेगनेंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकली एंड वाइवा में और BCQs में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हमें अच्छी तरह पढ़ना है। सो व्हाट इज़ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी? सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए, तो इट इज़ इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। हमें पता है कि अगर दिस इज़ द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज़ द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो विद इन दिस यूट्राइन कैविटी जो भी प्रेगनेंसी होती है इसी में इम्प्लांट होती है, ठीक है, नॉर्मली। बट अदर देन दिस, अगर इस यूट्राइन कैविटी में, यानी प्रेगनेंसी तो हो गई बट इट इज़ नॉट इन दिस यूट्राइन कैविटी, इट इज़ आउटसाइड दिस नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, देन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। और ये कहाँ कहाँ हो सकती है, इसके कॉमन साइट्स हम देख लेते हैं, एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, सबसे ज़्यादा 98% जो केसेस में देखी गई है इसकी कॉमनेस्ट साइट इज एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला क्या होता है? देन ये फिब्रिया, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम फेलोपियन ट्यूब को देखें तो यहाँ पे हमारा इतना पार्ट जो है वो इस्थमस होता है, देन दिस पार्ट इज़ द फिब्रियाए, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोसेस हैं। इससे पीछे थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पे ये होता है इनफंडिबुलम, एंड दिस एरिया इज द एम्प्यूला। यहाँ पे 98% केसेस में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है। इसके अलावा ओवरी में भी हो सकते हैं, सर्विक्स में भी हो सकते हैं, एब्डोमेन में भी हो सकते हैं, सी सेक्शन के स्कार में भी कभी कभार हो जाती है, दैट इज़ रेयर। बाकी फिम्ब्रिया एंड इस्थमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इधर कहीं पर भी हो सकती है। सो दीज आर द कॉमनेस्ट साइट। अब रिस्क फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक होता है हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? ये क्या होता है कि साइमल्टेनियसली दो प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती हैं, एक विद इन द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, एक आउटसाइड जो एब्डोमिनल साइड है, किसी भी साइड पे हो सकती है। वन इज इन द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी एंड वन इज आउटसाइड समवेयर, आइदर इन द फेलोपियन ट्यूब या कहीं और। सो एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट दो प्रेगनेंसी एक साथ डेवलप हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर ये टर्म आए तो आप परेशानी होइएगा। अच्छा, फिर रिस्क फैक्टर्स को हम देखते हैं। हम रिस्क फैक्टर्स भी कह सकते हैं, कॉजेज भी देख कह सकते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है प्रीवियस PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ माजी में रही हो जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब डैमेज हुई है तो वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस, हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ का आउटसाइड कहीं पे भी मौजूद होना, सो दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई है, स्मोकिंग, इंक्रीज मैटरनल एज। अच्छा, ये जो दो, स्मोकिंग और इंक्रीज मैटरनल एज जो है ना, इनकी वजह से जो ट्यूब में फंक्शनल ऑल्ट्रेशन आ रही होती है, सो दैट लीड्स टू EP। बाकी IVF प्रेगनेंसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अगर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इम्प्लांट की गई हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, तो उन केसेस में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी, अपेंडिसेक्टमी या अपेंडेक्टमी, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, तो हमें ये हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ही होता है ताकि हमें पता चले कि अगर प्रीवियस कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उन केसेस में भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है। सो नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स। तो इसकी जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक तो पेशेंट हिस्ट्री दे सकता है ऑफ वर्टिगो एंड सिंकोपल अटैक, ठीक है, फेंटिंग और वर्टिगो के हिस्ट्री देगा पेशेंट दे सकता है, ठीक है, एंड देन शोल्डर टिप पेन होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों हो रहा होता है ये हम आगे और डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर है ये एक क्लासिकल ट्रायड है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम का, तो इसमें एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, दूसरा होगा वेजाइनल ब्लीडिंग एंड जेस्टेशनल एमेनोरिया या पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेजाइनल ब्लीडिंग लिखा है, जेस्टेशनल एमेनोरिया लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है दैट इज़ नॉट द कॉमन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये वैसे तो जेस्टेशनल एमेनोरिया होगा यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बावजूद वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी। तो दीज आर थ्री सिम्टम्स जो कि क्लासिकल ट्राइड में आते हैं।
इसके अलावा पेशेंट हमें प्रेजेंट कर सकता है विद अक्यूट सब अक्यूट सिम्टम्स एंड इट कैन बी ए सिम्टोमेटिक या साइलेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अक्यूट क्या होती है? अक्यूट प्रेजेंटेशन, अक्यूट प्रेजेंटेशन मतलब रप्चर हो गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हुई है पेशेंट को वो रप्चर हो गई है और उसकी वजह से पेशेंट अक्यूट सिम्टम्स के साथ आ रहा है। और वो अक्यूट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अक्यूट और सिवियर एबडोमिनल पेन, ठीक है, बिकॉज एबडोमिन में है ना। देन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि जब वो रप्चर होगी तो ब्लीडिंग होगी इंटरनल, एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जाएगा। मैसिव इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग की वजह से जो एबडोमिन है, इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से एबडोमिन की डिस्टेंशन होगी। इसके अलावा जो मैसिव इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग है उसकी वजह से फ्री ब्लड हमें पेरिटोनियल कैविटी में मिलेगा, और जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्री ब्लड होगा तो उसके ऊपर डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम इरिटेट होगा, और डायाफ्राम इरिटेट होगा तो नर्व के थ्रू वो जो शोल्डर टिप पेन आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था, क्योंकि नर्व इज़ रिलेटेड, इसीलिए वहाँ पे शोल्डर टिप पेन आ रहा था, ठीक है। डायाफ्राम की इरिटेशन की वजह से एक्चुअली शोल्डर टिप पेन आ रहा था। सो हमें ये सिम्टम मिले। इसके अलावा पेशेंट पेलर होगा एंड हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की हमने बात कर ली थी। अच्छा, जो यूट्रस होगा वो स्लाइटली इनलार्ज होगा विद टेंडर मास ऑन वन साइड, और सर्विकल ऑस जो है वो क्लोज होगा और सर्विक्स जो है टेंडर होगा। सो दीज आर द सिम्टम्स, अक्यूट सिम्टम्स जो कि हमें मिलेंगे, और ये तब मिलते हैं जब रप्चर हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इसकी ट्रीटमेंट होती है अर्जेंट लैप्रोटमी, ठीक है। सेकेंड इज सब अक्यूट सिम्टम्स। ए सिम्टोमेटिक तो यानी साइलेंट है, हो रहा है लेकिन हमें कोई सिम्टम उसके नहीं मिले। सब अक्यूट में क्या होगा कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा, एबडोमिनल पेन होगा जो कि एक वन साइड पे एलियन फोसा के एक तरफ जो है लोकलाइज होगा। इसके अलावा एपिसोड्स ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होंगे पेशेंट को। सो दीज आर द साइंस इन सब अक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बाकी इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्जिक इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लग रही हो आपको मेरी तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देख लेते हैं।